फिर इस तरीके से हमने अच्छा पता लगा। फिर बाकी वो शाम लग बात नहीं हो पा रही थी हमारी, शाम ने फिर पता चला भाई 5:45 पर कुछ पर बात हुई है। ऐसे ऐसे गाड़ी में जा रहे थे, गाड़ी पलट गई है। और फिर मैंने अपने ताई के पास फ़ोन कराया तो उन्होंने भी कुछ जवाब ही नहीं दिया। पता लगा भाई हाँ गाड़ी, फिर हम भी डाउट में होगी, फ़ोन आ लिया क्योंकि 12 बजे रात को फ़ोन आया है सरपंच साहब के पास, कुछ ना कुछ दिक्कत प्रॉब्लम में बात है। दादा भी, दादा फौज की सेवा करी, फिर पिताजी ने, और पिताजी भी है जो देश की सेवा करते हुए शहीद हुए थे, और अभी अनुज भाई है जो घायल हुए, एक मौत की लड़ाई लड़कर ना वापिस आ रहे हैं, क्योंकि जो हादसा होया है उसमें 10 जवान थे गाड़ी में, 9 जो शहीद हो गए, तो इकलौता अनुज है जो वो घायल हुआ है, वो ठीक ठाक अब बिल्कुल है। चोट तो ज़्यादा है, टूट फूट भी है। कहाँ मतलब हाथ पैर पे, पैरों में है, हाथ में है, अरे रीढ़ के उसमें हड्डी में भी दर्द है, मुंह से ऊपर ठीक है, थोड़ा चोट तो लग रही है, फिर टेम लगेगा जी अभी, मतलब ठीक हो जाएंगे। हाँ खतरे की बात नहीं है, टेम लगेगा, चोट ज़्यादा है। लेह लद्दाख में जो बड़ा हादसा होया है और 9 देश के जवान जो शहीद हो गए हैं, जिसमें से 10 जवान थे, उसमें से एक जवान है जो इस घर का लाल था, जो बच गया, जो घायल है, तो परिवार तक बातचीत करांगे कि कुछ स्थिति है, किस तरह के फिलहाल हालात हैं और किस तरह से परिवार ने पता चला, क्योंकि जब उस हादसे का पता चला तो पूरा देश में दुख हुआ था कि क्योंकि जब फौजी का नाम आवा तो गर्व सबने महसूस होगा, जब इस तरह से पता चला है कि देश के जवान हैं इस तरह से हादसे में हैं जो शहीद हो गए हैं, तो बड़ा दुख भी हुआ है, उसकी कोई भी अक्सती पूरी नहीं कर सकता, उन माँ बाप के ऊपर क्या बीतते हैं। लेकिन एक भाई है जो ठीक है, उस परिवार के पास हम पहुँचे हैं, जिन जिले के डिगाना गाँव में, बातचीत करें परिवार तय कि किस तरह से परिवार ने पता चला किस तरह से वो हादसा हुआ है। तो भाई जी क्या नाम आपका? नवीन जी। तो भाई अपने भाई का क्या नाम था जो आर्मी में है? अनुज। अनुज कब भर्ती हुए थे? ये 2021 में भर्ती हुए थे, मतलब 2 ही साल हो। हाँ, 2 साल 2.5 साल करीब हुए। तो उम्र कितनी है भाई की? इसकी होगी उम्र 21 साल। 21 साल है। तो पहली पोस्टिंग कहाँ आई थी? पहली पोस्टिंग जी ये हैदराबाद की साइड में। हैदराबाद। तो यहाँ लेह लद्दाख में कब गए थे? लेह लद्दाख में भी गए हैं बिल्कुल, जस्ट हाँ बिल्कुल, छुट्टी काट के भी लेह लद्दाख में गए। अच्छा अभी गए थे यहीं से? हाँ यहीं से, गाँव से। हाँ जी। तो किस तरह से हादसा हुआ, किस तरह को से आपने पता चला, किस टाइम आपने पता चला? पता तो जी ये हादसा तो 5:45 पर परसों हुआ था, सुबह हमें पता चला है ऐसे ऐसे हादसा हो गया है। शाम में आता है? हाँ हाँ शाम में हुआ हादसा, और बाकी फिर अपने सरपंच जी के पास फोन आया है, फिर सुबह मैंने फोन करके पूछा है, फिर पता लगा भाई ऐसे ऐसे हादसा हो रहा है, इस तरीके से पता लगे। वहाँ से फोन किसका था? वहाँ से सरपंच साहब के पास फोन आया है, किसका है ये पता नहीं है मेरे को। हाँ सीओ साहब का आया हुआ शायद फोन उधर से, मतलब वहीं से आया आर्मी की तरफ से। हाँ जी हाँ जी। तो किस तरह से हादसा हुआ, क्या कुछ बताया? ये हादसे में ये बताया गया कि ऐसे ऐसे गाड़ी में जा रहे थे, गाड़ी पलट गई है, और फिर मैंने अपने ताई के पास फ़ोन कराया तो उन्होंने भी कुछ जवाब ही नहीं दिया। पता लगा भाई हाँ गाड़ी, फिर हम भी डाउट में होगी, फ़ोन आ लिया क्योंकि 12 बजे रात को फ़ोन आया है सरपंच साहब के पास, कुछ ना कुछ दिक्कत प्रॉब्लम में बात है। फिर इस तरीके से हमने अच्छा पता लगा। फिर बाकी वो शाम लग बात नहीं हो पा रही थी हमारी, शाम ने फिर पता चला भाई 5:45 पर कुछ पर बात हुई है, उस टाइम खुद ने बात करी है, ताई ने बात करी है, मामा ने बात करी है, उसने बताया मैं ठीक हूँ, उसका खुद का फ़ोन आया है। हाँ तो इस तरीके से हमने पता लग गया ठीक है, बोले मेरे को कल चंडीगढ़ रेफर कर देंगे। बोले तो अनुज ने क्या बताया, कितने लोग थे, किस तरह से गाड़ी पलटी, किस तरह से फिर निकल पाए हैं या नहीं निकल पाए? जी मेरे को उधर से, मेरे को फ़ोन से इन्फॉर्मेशन मिली है, ताई के पास बताया था, बोले ऐसे ऐसे गाड़ी में थे मैं, बाकी कल आके मैं चंडीगढ़ मेरे को रेफर कर देंगे, बाकी ये मेरे को ज़्यादा फ़ोन देने से बात करने से मना कर रहे हैं, बोले मैं कल चंडीगढ़ आ रहा हूँ, मेरे आने से पहले आप उधर आ जाना और मेरे से मिलके फिर उधर ही बात कराएंगे, इस तरीके से फिर मेरे को ये इन्फॉर्मेशन। हरियाणा का कौन था साथ में? हरियाणा के कि कित भाई जी से रोहतक से, ये उसके साथ में ही था गाड़ी में, और ये गाड़ी में जिस तरीके से आज सुबह फिर मैंने फ़ोन कराया है, रिंकू भाई जो उससे मिला है, उसने बात करी है, उसने बात करके उसने पूछा भाई ऐसे ऐसे कैसे क्या हुआ, बोले मैं गाड़ी में आगे बैठा था, आगे फिर मेरे उल्टी लगने लगी, उल्टी करने के चक्कर में गाड़ी में पीछे आया हूँ, पीछे फिर मैंने उल्टी अल्टी करके मैं थोड़ी देर बैठा, फिर पीछे गाड़ी किसी ने मेरे को टक्कर मारी है गाड़ी को, वो गाड़ी फिर संतुलन ख़राब हो गया, इस तरीके से फिर मैंने जंप कराया है, मेरे जंप करने के बाद फिर 2 बंदों ने फिर जंप कराया है, बोला फिर नीचे गिर के, फिर उसके बाद मेरे को पता नहीं क्या कुछ हुआ है, मतलब गाड़ी वाले तो अंदर ही खत्म हो गए। हाँ गाड़ी वाले तो फिर नीचे गिरने बात तो खत्म ही हो गए, जंप करने बात तो उसको पता ही नहीं। टक्कर मारने वाली गाड़ी कौन थी, खुद की आर्मी की थी या कोई और गाड़ी थी? ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, बाकी नहीं दे पाए हैं इन्फॉर्मेशन, बाकी वो ठीक होने के बाद देखो पता लग जाए तो क्या कुछ है। तो परिवार में कौन कौन है भाई? परिवार में 2 भाई हैं, 2 बहन हैं, और पिताजी भी आर्मी में थे, उधर आर्मी के अंदर एक्सपायर हो गए थे, और
माता भी एक्सपायर हो रही थी, फिर दोबारा ये ताऊ जी ने शादी करी थी इस तरीके से। दादा ही फौजी थे? हाँ, दादा ही फौज में थे। तो पूरा खानदान है जो आर्मी की सेवा करिया, देश की सेवा करिया, पहले दादा भी, दादा फौज की सेवा करी, फिर पिताजी ने, और पिताजी भी है जो देश की सेवा करते हुए शहीद हुए थे, और अभी अनुज भाई है जो घायल हुए, एक मौत की लड़ाई लड़कर ना वापिस आ रहे हैं, क्योंकि जो हादसा हुआ है उसमें 10 जवान थे गाड़ी में, 9 जो शहीद हो गए, तो इकलौता अनुज है जो घायल हुआ है, वो ठीक ठाक अब बिल्कुल ठीक है, हालांकि PGI में है, तो उनकी चाची भी हमसे बात करेंगे। क्या नाम जी आपका? संजय देवी। बात हुई थी जी आपकी अनुज से? अनुज तो नहीं हुई जी, उसका चाचा तो बात नहीं हुई मेरी। हाँ, क्या दर्द, किस तरह के हालात हैं? बस चोट तो ज़्यादा है, टूट फूट भी है। कहाँ, मतलब हाथ पैर? पैरों में है, हाथ में है, और रीढ़ की उसमें हड्डी में भी दर्द है, मुँह से ऊपर ठीक है, थोड़ा चोट तो लग रही है, फिर टेम लगेगा जी अभी, मतलब ठीक हो जाएंगे। हाँ, खतरे की बात, खतरे की बात नहीं है, टेम लगेगा, चोट ज़्यादा है। हाँ, बस हम तो न्यू को भगवान का घर आया, हमारा छोरा ठीक हो गया बस। तो सरपंच साहब भी है, सरपंच साहब से बातचीत करें। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार जी भाई साहब। सरपंच साहब देखो, भाग्य ही समझो ये, क्योंकि जब 10 जवान गाड़ी में है और एक जवान बच के आना, एक भाग्य का एक काम है, क्या करें, मौत का मुँह तो वापिस आया है। बिल्कुल भाई साहब, इसे परमात्मा की मेहर कहिए, नहीं तो गाड़ी में ये 10 जवान थे जिसमें से 9 तो मौके पर ख़त्म हो गए, एक ये हमारे गांव का जो माटी का लाल ये बचा है, इसे खुशकिस्मत कह लीजिए, परमात्मा की इस पर मेहर कह लीजिए जो बच गया, और जल्दी हम इसके स्वस्थ होने की कामना करते हैं, पूरा गांव इसके इंतज़ार में है कब ये ठीक होकर आएगा, और हम पंचायत की तरफ से भी कहते हैं कि इसके आने की खुशी में जब ये स्वस्थ होकर आएगा तो हम इसका पूरे ढोल नगाड़ों के साथ, बैंड बाजे के साथ, स्वागत सम्मान के साथ इसको गांव में लाएंगे। एक मौत से लड़कर आया है ये कह लीजिए, जिस मौत से हर बंदा घबराता है, हर डरता है, और मौत सबको हरा देती है, उस मौत को भी हरा कर ये जीत कर आया है, तो उसी खुशी में हम इसका बैंड बाजों के साथ जिस दिन ये जल्दी ही हम कामना करते हैं स्वस्थ होकर आए, और इसको हम सह समान गांव में लेकर आएंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमें दुख भी है कि जो 9 और जवान शहीद हुए हैं, हम उनके परिवार के प्रति भी संवेदना प्रकट करते हैं, ऐसी दुख की घड़ी उन पुरान पड़ी है, वो भी हमारे ही जवान थे, तो एक दुख के साथ साथ ये भी है कि भाई एक कम से कम एक बच्चा है वो हमारी माटी का लाल है। तो इस परिवार की देशभक्ति के बारे में क्या कहोगे आप? देखो, दादा फौज में थे, पिताजी ने देश की सेवा करते हुए जो शहादत दी है, और आगे बेटा भी फौज में गया है, भाई ये तो फौजी परिवार से है, इनका DNA ही आर्मी वाला है, इनके दादाजी भी आर्मी में थे, इसके तो पिताजी थे वो भी आर्मी में थे, ऑन ड्यूटी हृदय गति रुकने से इनका निधन हुआ था उनके पिताजी का, और ये भी आर्मी में सेलेक्ट हुए हैं, तो खानदानी इनका फौजी परिवार रहा है। तो और ये लड़का जो है, इसके मतलब इसके जो पिताजी थे एक्सपायर हुए थे आर्मी में, इसकी जो माता भी सगी, जिसने इसकी सगे वाली माता भी एक्सपायर हो चुकी है, ये इसका जो पिताजी से वो दूसरी ब्याह लेकर आया था, इसकी मौसी पहले वाली से, ये लड़का 2 सिस्टर और इसकी दूसरी जो ब्याह इसके पिताजी लेकर आए थे उससे एक छोटा लड़का है। कितनी उम्र का लड़का है? वो शायद 14-15 साल का होगा। हाँ जी, हाँ जी, 9वीं-10वीं पढ़ा। हाँ, ऐसा होगा, 9वीं-10वीं क्लास में होगा। तो परिवार से बातचीत करी है, सरपंच साहब से बातचीत करी है, देखो दुख भी है क्योंकि 9 जवान है जो देश के चले गए हैं, उनके लिए संवेदनाएं, और जो भाई अभी घायल है इसके लिए आप सभी तरह दुआ करा कि आप भी दुआ करो कि जल्दी जल्दी ठीक होकर ना स्वस्थ होकर ना इस परिवार के बीच में पहुँचा है, पूरा परिवार ने, पूरा गांव ने इंतजार है कि जल्दी से जल्दी ठीक होकर ना हमारे बीच में पहुँचा है, और परिवार है जो उसका स्वागत भी करेगा अच्छे तरीक़े से, क्योंकि एक मौत की लड़ाई है जो लड़के आए हैं। तो यही अपडेट आपको देनी थी कि परिवार में कौन कौन है, जो लेह लद्दाख में 10 जवान थे अब गाड़ी में, 9 की जो मौत पर जो मौत हो गई है, और एक भाई है जो फिलहाल घायल है। तो इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और इन परिवारों के लिए जो संवेदनाएँ प्रकट करनी है। तो दादी जी भी है, दादी जी क्या नाम आपका? नरेश। दादी जी कब गए थे तनुज ड्यूटी पे? फोन पर बात नहीं करते?
अरे ये बड़का की तो हो जाए हाँ। अच्छा। बड़का दो रो फोन से मारो दो रो कुछ फोन से अरु हाँ? दुख सहे भाई उनका भी दुख सह छोरा यू ठीक हो जाओ सूत्र डाल घर आ जाओ वाह बहादरी है भगवान की। अब जी क्या कहना चाहोगे इस परिवार के लिए? हम लोग को ये कामना करना जल्दी से जल्दी घर वापिस आ जाए ठीक हो के हम इसकी ये कामना कर रहे हैं और सभी को उनके लिए भी संवेदना व्यक्त करते हैं जो शहीद हुए हैं उनके लिए भी सारा देश कामना कर रहा है अगर भाई ऐसा हादसा कभी ना हो इस ज़िंदगी में और सभी सही सलामत रहें और इसको आने कामना करें हमारे को बच्चे को। उम्र भी तो 21 साल है देखा जाए तो इस उम्र में तो बाल पूरे खेले जाओ क्यों समझ नहीं होती है और एक ये भाई है जो 21 साल की उम्र में जो देश की सेवा करने के लिए चले गए हैं। हाँ इनका जो हमारा परिवार है जो सारा इसको फौजी परिवार कहते हैं गाँव में क्योंकि दादा भी था फिर पिता भी जी इसके थे फिर ये इसका लड़का भी फौज में अभी है तो आगे भी शायद हमारा ये जज्बा रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फौज में भर्ती हुए खून में देशभक्ति है खून में देश तो आपने अपने विचार जरूर देने हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में। वंदे मातरम।